डगा थाना क्षेत्र में महुआ के एक पेड़ को लेकर दो सगे भाइयों में आपस में हुई जमकर मारपीट में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों में मां और पुत्र शामिल हैं। मौके पर पहुंची मुकामी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया तथा मुख्य आरोपी सहित आठ लोगों को हिरासत में लेकर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि गहा क्षेत्र के पोखरी गाँव के अरविंद दुबे और राजेश दुबे सगे भाई हैं। मिली जानकारी के अनुसार रविवार की सुबह अरविंद दुबे महुआ का एक पेड़ बेच दिया था। पेड़ काटने के लिए मजदूर आ गए। मजदूर पेड़ काट रहे थे कि मौके पर पहुंचे अरविंद के भाई राजेश ने पेड़ को अपने हिस्से में बताते हुए उन्हें रोक दिया। इस पर दोनों भाइयों के बीच विवाद शुरू हो गया और मारपीट होने लगी। इसी दौरान शाम को राजेश के ससुराल पक्ष के कुछ लोग पोखरी गांव पहुंचे। उन्होंने घर पर मौजूद अरविंद दुबे की 50 वर्षीय पत्नी हेमलता और 23 वर्षीय बेटे हर्ष की लाठी डंडे और राड से बड़ी निर्ममता से पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद फावड़े से वार कर उनकी हत्या कर दी। ये वारदात पूरे गाँव के सामने हुई। सूचना पर पहुंची गगा पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने घटनास्थल में हत्या में इस्तेमाल किए गए फावड़े को बरामद किया और मुख्य आरोपी सहित आठ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे गांव में तनाव को देखते हुए फोर्स तैनात कर दी गई है। एसएसपी जोगिंदर कुमार ने भी घटनास्थल का मुआयना किया तथा आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी जोगिंदर कुमार ने बताया। अरे भाई, अरे बाप बाबा, अरे दादा, अरे पुत्र का नाम कौशल सुखा, चारों लोगों का नाम है पानापाल घर है। अच्छा जो है यह दुर्गेश पांडे का घर है और स्वर्गीय चंद्रदेवी उत्पन्न के लड़के हैं मनोज चंद्र, इनका घर पोखरी गाँव। समय आप कहाँ? उस समय में थाने पर था, वो हसुआ हमको मारे थे। देखिए पोखरी गांव है गगा थाने में, वहां पर दो सगे भाइयों राजेश दुबे और अरविंद दुबे के बीच विवाद था संपत्ति का। संपत्ति के लालच में हत्या हुई है और अरविंद दुबे की पत्नी और उसके बेटे की हत्या की गई है। हत्या करने वाले उसके सगे भाई के साले हैं और सगा भाई है और उसके बेटे हैं। उसमें से हम लोगों ने आठ लोग अरेस्ट कर लिए हैं। मुख्य आरोपी हमने अरेस्ट कर लिया है। इन सबके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग और जो अरेस्ट हुए हैं उनको हम लोग जेल भेज रहे हैं।